केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडे आज सहकार क्षेत्रावर चर्चा करण्यास बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक पार पडली. बैठकीला देवेंद्र फडणवीस, राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह राज्यातील भाजपाचे अनेक नेते उपस्थित होते. इथं वेगवेगळ्या प्रश्नांवर चर्चा झाली. सहकार कारखानदारी माहीत असलेले प्रमुख लोके उपस्थित होते. सकारात्मक आणि सहकारी साखर कारखानदारीला नवी संजीवनी मिळेल अशी बैठक पार पडली. एफआरपीला जास्त दर दिल्यानं नोटीसा येत आहेत, त्यामुळे सातत्यानं हा मुद्दा बाहेर येतोय. आताही नोटीस आल्यात, याचा कायम इलाज करावा अशी मागणी अमित शहा यांच्याकडे करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र के जो सहकारिता के क्षेत्र की चीनी मिले हैं, उनके जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों को लेकर आज हमने केंद्रीय राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे पाटील जी इनके नेतृत्व में भारत सरकार के सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह इनके साथ एक बैठक की. इसमें कई मुद्दे सामने आए. विशेष रूप से पिछले 15-20 सालों से चीनी मिलों का एक इनकम टैक्स का मुद्दा, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस मसले में लगातार इनकम टैक्स विभाग की ओर से मिलों को नोटिसेस आती है जिन्होंने एफआरपी से ज्यादा पेमेंट किया है और उसमें काफी कष्ट भी सहन करना पड़ता है. तो हम लोगों ने ये मांग की थी कि वंस फॉर ऑल इस विषय को समाप्त किया जाए और अभी जो कार्रवाई की जा रही है उसको रोका जाए. तो उस पर आदरणीय मंत्री जी ने बहुत ही सकारात्मक इस प्रकार का रुख लिया और उन्होंने कहा किसी भी प्रकार से इसमें चीनी मिलों को और किसानों को तकलीफ न हो. और किसानों को चूंकि ज्यादा मुआवजा मिल रहा है तो उसको जो भी उसमें एक्ट में चेंजेस करने हैं, जो भी करने हैं, इसके ऊपर केंद्र सरकार सकारात्मकता के साथ आगे जाएगी. इस प्रकार की बात उन्होंने कही. बाकी भी जो मसले थे, चाहे वो इथेनॉल के संदर्भ में हो, चाहे जो बैड डेट्स हो उसके संदर्भ में हो, चाहे कैपिटल के बारे में हो, ऐसे कई विषय सामने आए और इन सारे विषयों के ऊपर माननीय अमित भाई शाह जी ने बहुत ही सकारात्मक इस प्रकार का रुख लिया है. मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो बैठक हमारी हुई है, ये बैठक एक प्रकार से जो सहकारिता के क्षेत्र की चीनी मिलें हैं उनके लिए बिल्कुल मील का पत्थर साबित होगी और उनकी जो अड़चने हैं उनको बड़े पैमाने पर इसके माध्यम से दूर किया जाएगा. ब्यूरो रिपोर्ट, एसबीएन मराठी.